जिस स्थान के बैठी है हमारे नेताजी थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। जहां न पहुंचे वहां पहुंचे कल तक की न्यूज सभी। माइक में ओ जो बोलना है माइक में बोलना है। हेलो 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 नागराज नागराज कैसा चश्मा लाए हो यार, कुछ दिखाई ही नहीं देता। पकड़ो, कैसे पत्रकार हो तुम, तुमको नमस्कार नमस्कार करना नहीं आता। देखो हम दिखाते हैं तुमको कैसे किया जाता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जो पैदल आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो गाड़ियों में आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो बसों में ठूस ठूस कर आए हैं उनको भी नमस्कार। मैं रणछोड़ दास 66 इस क्षेत्र के शासकीय पद का पहला उम्मीदवार, ये मारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। नेता मैं उसकी तू है, और ये हमारा बॉडी गार्डर है। बॉडी गार्डर बॉडी गार्डर तो सस्ते में आवे नहीं नेताजी, बॉडी गार्ड बोलो बॉडी गार्ड। नेता मैं उसकी तू है, तुझे शौक है आज कर। चले आइए नेताजी स्थान ग्रहण कीजिए। भाई ये कह रहा है स्थान ग्रहण करो, कोनो चार पाई बार पाई नहीं बिछाई क्या? अरे नेताजी स्टूडियो है, यहाँ चार पाई नहीं चेयर होती है। चेयर चेयर जय क्या है? जय क्या है? छोटी चार पाई नेताजी, छोटी चार पाई। ओ छोटी चार पाई, छोटी चार पाई, इस पे तो हमारी कुंगी भी ना आवे। आइए नेताजी बैठिए। आइए नेताजी हम आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। इंटरव्यू जय क्या हो रहा है? कोनो गाड़ी, कोनो गाड़ी वाड़ी है क्या? गाड़ी वाड़ी नहीं नेताजी, साक्षात्कार। ओ साक्षात्कार साक्षात्कार। हाँ भाई शुरू करो। तो नेताजी आगे बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? भाई मारा जन्म इंडिया में हुआ था, इंडिया में। सर मेरे कहने का मतलब यह है इंडिया के किस इलाके में हुआ था? ए बेवकूफ, इलाका तो कुत्ता हुआ हो या नीचे ताल हो गए, घर में पैदा हुए थे। सर मेरे कहने का मतलब यह है इंडिया के किस एरिया के किस घर में हुआ था? वो भाई चार दिन के बच्चे को क्या पता मैं कहाँ पैदा हुआ था, वैसे उस वक्त मेरी आंखें बंद थी। तो चलिए नेताजी हम आपसे जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं। जनरल नॉलेज क्या हुए? सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। हाँ भाई पूछो, भाई पूछो। नेताजी आप ये बताइए चांद पर पहला कदम किसने रखा? भाई चांद पर पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा। अम्मा स्ट्रॉन्ग ने नहीं नेताजी, आर्मी स्ट्रॉन्ग ने। नेता मैं ओके तो सॉरी। नेताजी आप ये बताइए चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? वो भाई बेवकूफ है, महा बेवकूफ। एक टांग से क्या मैं वहाँ लंगड़ी खेलने जाएगा चांद पर, दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा। चलिए नेताजी हम आपसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिक्स जे क्या हुआ? राजनीति नेताजी, राजनीति। ओ राजनीति राजनीति, पूछो भाई पूछो। नेताजी आप ही बताइए कि आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है? भाई मारी गवर्नमेंट मारी भाई, जब सारे अंग्रेजी में पूछे जा रहा है हिंदी में नहीं पूछ सकता, ये गवर्नमेंट क्या हुआ? सरकार नेताजी सरकार। ओ सरकार मारी सरकार, मारी सरकार राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? अरे ना ना ना, जय राम भरोसे ना, जय राम भरोसे। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। कैसे भाई सारा काम यू कर रहे हैं, अंगूठा मैं लगाऊं? तो नेताजी आप ये बताइए आपने अपनी जनता के लिए क्या किया? भाई क्या किया? सारा चट्टा खोला गया क्या? बता दीजिए, कंबल बटवाए थे भाई? कंबल बटवाए थे जनता को? ना ना, जानवरों को, गाय भैंसों को, कुत्तों को। नेताजी आपने बताओ जनता से लिया और कंबल जानवरों को बटवाए? अगर उन्हें ना बटवाते मैं सर्दी में मर ना जाते, दूध उन्हीं का तो पीता कहीं तेरा पीते हैं। भाई हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह कुत्ता है। नेताजी आप ये बताइए आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी जे क्या होगा? लोकतंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। ओ लोकतंत्र प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को बोला करूँ मैं डेमोक्रेसी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। तो नेताजी आप ये बताइए कि आप अपनी पार्टी से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम अपनी पार्टी से संदेश देना चाहते हैं कि भारी बहुमतों से हमको विजयी बनाओ, भारी बहुमतों से हमको विजयी बनाओ, जो चाय कॉफी में न माने उसे दारू और बिरयानी खिलाओ। नेताजी आप इतने अच्छे नेता हैं, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहे
उन्हें वो जो हमारे सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा, मैंने नाम बता तू उसका। अरे नेताजी इतना भड़क क्यों रहे हैं, वो यहाँ नहीं है, कहीं और है। जब वो आएगा मैं उसी ने बताऊंगा। नेताजी वो यहाँ नहीं है। जब वो आएगा मैं उसी ने बताऊंगा, इतना टाइम ना है हमारे पास। चलिए नेताजी मान लीजिए मैं ही वो कैंडिडेट हूँ जो पहली बार चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा अब तू पत्रकारिता छोड़ देगा क्या? नहीं नहीं नेताजी, मान लीजिए मैं अपनी थोड़ी सी किस्मत आजमाना चाहता हूँ तो क्या टिप्स देना चाहोगे मुझे राजनीति विषय में? तो सुन, आसमान को जमीन से छूले, आसमान को जमीन से छूले तुम ऐसी सीढ़ी लगाओ, आसमान को जमीन से छूले तुम ऐसी सीढ़ी लगाओ, राजनीति तुम्हारे बस की नहीं, तुम चलो एक बीड़ी लगाओ। तो नेताजी आप ये बताइए, क्या पिछले महीने गांव में आग लगी थी उसमें आपको क्या समानताएं थी? भाई उसमें मैंने बहुत कार्य किए, जितने घायल हुए सबको शमशान घाट पहुंचा दिया और जितने मर गए सबको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। जिंदा करने की कोशिश अभी भी जारी है, साइंटिस्ट लगवा दिए गए हैं और जितने मर गए सबको 50 रुपए का मुआवजा और जितने घायल हुए सबको 10 रुपए का मुआवजा। भाई नेताजी आप ये बताइए कि पिछले महीने इतनी महंगाई बढ़ी थी, क्या कारण हो सकते हैं? भाई क्या कारण थे? बात तो कर दीजिए नेताजी। क्या यार जब से आया 1% पे 1% किया जा रहा है, डीजे वीजे ना लगवा सकता क्या? अरे नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ डीजे नहीं लगवाए जाते हैं। अच्छा चल तू फोन कॉल। अरे रामवती ने फोन करना है हमारी पत्नी को। देख ऐसा ना देखा होगा, देख देख देख। हेलो रामवती, हेलो एनटीवी पीटीवी सबने कैमरा लगे हुए हैं, देख कौन सा पा रहा। हेलो हेलो रामवती, एनटीवी पीटीवी सबने कैमरा लगे हुए हैं, देख कौन सा पा रहा। अरे कुत्ते का मैंने, तूने गलत नंबर डायल कर दिया। भाई तुझसे कुछ कह रही है यार, लो मेरी बात करो। अरे सॉरी यार कोई गधा है। अरे गधा किसने बोल लिया, गधा किसने बोल लिया? नेताजी छोड़िए, चलिए नेताजी चलिए, चलिए नेताजी चलिए चलिए। जाओ यार आप कुत्ते ने ऐसे डायल लेता काम से जाते हैं। अरे मैंने आया था, तन्ने बुलाया था मुझे। अरे भगवान आप जाइए जाइए आप।